नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरे आज वापस आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्पेशली लीनो एंड पीपी बैग के बारे में बात करने वाले। लीनो एंड पीपी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई। इस बिजनेस को किसानों के एंगल से यदि हम देख ले तो इस बिजनेस को डेफिनेटली रूरल एरियाज में, इंडिया के हर एक स्टेट्स के रूरल एरियाज में जहां कनेक्टेड इंडस्ट्रियल एरिया है और कनेक्टेड फार्मिंग भी है, दोनों भी एंगल यदि है तो डेफिनेटली इस बिजनेस को किया जा सकता है। अब आप बात करेंगे सर ये लीनो एंड पीपी बैग एक्चुअल में है क्या। देखो आज के डेट में जो पुराने समय हम रेगुलरली जूट की बोरी हम यूज करते थे, राइट, जूट बैग हम यूज करते थे। आज भी आई थिंक ग्राउंड नट या शेंगदाना जिसे हम बोलते हैं तो उसके लिए हम वही बोरी यूज करते हैं, या सोयाबीन के लिए भी वही बोरी यूज करते हैं। पर अब जैसे कि गेहूं हो, ज्वार हो, बाजरा हो या राइस की कोई वराइटीज हो, पल्सेस यानी तूर डाल, मूंग डाल, अहर डाल जिसे आप बोलते हैं, या हरबरा डाल जो चना डाल हमारे यहां बोला जाता है, तो इन सब के लिए आप रेगुलरली व्हाइट कलर की प्रिंटेड बैग आते हैं जिन्हें पीपी बैग कहते हैं, राइट। और लीनो बैग बेसिकली वेजिटेबल्स में, जैसे एक ओनियन हो, पोटैटो हो, वेजिटेबल्स हो, उसके लिए हम पीपी वाला पीपी वाला बैग हम या लीनो वाला बैग हम यूज करते हैं, रेड कलर वाला, राइट। तो आप लीनो बैग नेट पे डाल दो तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगा या किस किस प्रोडक्ट के लिए लीनो बैग यूज की जाती है यह भी समझ में आएगा। पीपी बैग में तो जो मैंने बताया वो एग्रीकल्चर यूज है, इसमें और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, पैकिंग इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में पीपी बैग का यूज अब किया ही जाता है। तो भाई इस बिजनेस को यदि आपके एरिया में शुरू करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा भाई। बहुत सारे लोग हमें ये पूछते हैं कि सर इसका, यदि हम ग्राउंड की बात करें, रूरल एरिया की बात करें, तो इस बिजनेस को सक्सेसफुली एक अच्छा बायर कौन है, आप बता सकते हैं कि भाई बल्क में सर इस बंदे को हम पीपी बैग बेच सकते हैं, ऐसा एक आध यूनिट आपके ध्यान में आ रहा है या नहीं आ रहा। जो व्हाइट बैग रेगुलरली कहां पे सबसे ज्यादा हमें, यदि हम प्लान करें कि इस बिजनेस को हमें शुरू करना है तो कहां पे ये व्हाइट बैग यूज किया जा सकता है, नहीं पता। एटलीस्ट जो पता है वो तो कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको क्या क्या समझ में आता है भाई। चलो एक लीड दे देता हूं, मार्केट सर्वे की सबसे बड़ी लीड, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि इस बिजनेस को हमें करना है या नहीं करना है। बात समझ में आ रही है भाई। शुगर इंडस्ट्रीज में, शुगर फैक्ट्रीज में सबसे ज्यादा ये बैग्स परचेस की जाती है, इस लीड पे काम कर सकते हो भाई। अब बात करते हैं इस बैग के यूनिट की, एक अप्रोक्सली पकड़ लो तो कम से कम 2 से 4 गुंठा इसको जमीन लगेगा। सबसे पहली बात 2000 से 4000 स्क्वायर फीट, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। दूसरी बात, मशीनरी की हम यदि बात करें तो फुल्ली ऑटोमाइज कोई भी मशीन नहीं होती, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि बैग एक ही साइड से सील हो सकती है, दूसरे साइड से तो सील नहीं हो सकती। तो भाई जो उसमें जो इंसर्शन, यानी शुगर कैन इंडस्ट्रीज के लिए जो मशीन बनती है, 5 या 6 लाख से लेकर 10-15 लाख तक इसका मशीन का सेटअप आ जाता है। तो ये थोड़ा सा रैंकेबल बिजनेस है पर मार्जिन वाला बिजनेस है, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में B2B में इसका बहुत अब डिमांड बढ़ते जा रहा है। जो लोग पिछले कुछ सालों से जूट बैग यूज कर रहे थे, पिछले लाख 50 सालों से जूट बैग हमारे यहां यूज की जाती थी, वो अब शिफ्ट कर गए धीरे धीरे इस पीपी बैग पे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इस इन्वेस्टमेंट को लेकर, ये मशीन इन्वेस्टमेंट मैंने बताया, इसके बाद सबसे ज्यादा हमें लगेगा कि भाई रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए भी पैसा लगेगा, शेड या आपको आपके पास जगह हो तो उसके लिए, यदि नहीं हो तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। तो तीन चीजें होगी, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सेकंड मशीनरी परचेस, और तीसरा वर्किंग कैपिटल, आपको मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। इस मटेरियल को लेकर या ये पूरा एंटायर प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि हर एक अलग अलग सेगमेंट है। रॉ मटेरियल में हम थोड़ी सी भी गलती कर दें तो पूरा हमारा नुकसान हो सकता है। लास्ट मेरे ख्याल से 2 या 3 सालों से जैसे मैं लीनो और पीपी बैग के ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं चावड़ी के माध्यम से, तो मुझे यह ध्यान में आया कि रॉ मटेरियल सिलेक्शन पे ही सबसे ज्यादा वर्कआउट करना लोगों का जरूरत है, या जिन बंदों ने हमारे यहां से ट्रेनिंग लेकर बिजनेस भी शुरू किया है उनका भी यही कहना होगा, यही उन्होंने कहा कि सर यार रॉ मटेरियल पे काम करना बहुत जरूरी है, और दूसरा एक मेजर सेगमेंट है बायर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मार्जिनल बिजनेस है।
मार्जिनल बिजनेस या आपको 2 या 3% या 5% 10% मार्जिन हो तो आपको बल्क में सेल करने के बाद ही मार्जिन मिल सकता है। तो यदि आपको इस बिजनेस को शुरू करना है और आपके पास एमआईडीसी वाला या फार्मिंग वाला मार्केट है, एमआईडीसी या अलग अलग इंडस्ट्रीज का मार्केट या फार्मिंग वाला मार्केट है, तो आपको सबसे पहले उसका मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके एरिया में इस सेम टाइप के कितने यूनिट्स अवेलेबल है और डिमांड क्या है और सप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं उस्मानाबाद महाराष्ट्र में, उस्मानाबाद करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां के एक बंदे की आपको स्टोरी सुनाता हूं। एक बार ऐसा हुआ कि एक बंदा जो मेरे यहां से ट्रेनिंग कंडक्ट करके वापिस गया, तो वो तो पूरा ब्लैंक था कि भाई सर अब कुछ नहीं है मेरे पास, अब आप बोल रहे कि शुगर फैक्ट्रीज में जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, मार्केट सर्वे करो, तो क्या बोलू ना, क्योंकि लोगों के पास जाऊंगा तो लोग कहेंगे भाई प्रोडक्ट कहां पे। तो बोला, मैंने बोला तू टेंशन मत ले, तू मार्केट सर्वे करना स्टार्ट कर दे, मशीन का सर्वे मत कर। बहुत सारे लोग एक ही गलती कर देते कि भाई इनिशियल स्टेज पे बिजनेस स्टार्ट करना है तो लोग मशीन का सर्वे शुरू कर देते। तो मशीन का कोटेशन लेना ये इनिशियल स्टेज नहीं है, इनिशियल स्टेज है कि हमें मार्केट का सर्वे करना है। मार्केट सर्वे करिए, वो बंदा यहां वहां 2-3 फैक्ट्रीज में गया और सरप्राइजिंगली वहां एक फैक्ट्री ने उसे कोटेशन डिमांड कर लिया। तो उसका मुझे फोन आ गया, शायद उसका गणेश नाम था। तो गणेश ने मुझे बताया कि सर अब मुझे कोटेशन चाहिए। तो मैंने बोला चलो कोटेशन में अरेंज करके देता हूं। तो बोला सर मेरे पास तो अभी फैक्ट्री नहीं है उनको दिखाने के लिए, तो कोटेशन से कैसे होगा। तो मतलब उनको बोल सर आपको जिस रेट में चाहिए उस रेट में यदि मैं दे दूं। मार्केट में ऐसा ही होता है ना, बहुत बार दुकान में आप यदि कोई प्रोडक्ट मांगने जाए तो वो दुकानदार तो ट्रेडर है, तो बिंदास उस फैक्ट्री को तुम बोल दो कि भाई सर मैं तो ट्रेडिंग कर रहा हूं, आपको जो रेट में चाहिए यदि वो उस रेट में मैं आपको मंगवा के दे दूं तो आपको क्या प्रॉब्लम। तो कारखाना या जो शुगर फैक्ट्रीज है उनके जो डायरेक्टर्स थे वो भी मान गए, चलो ये भी ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक सप्लायर से उसके टेंटेटिव रेट्स ले लिए, क्योंकि हमारे वो पूरे सप्लायर का लिस्ट भी अपडेट होता है, तो रेट ले लिए। उसके लिए हमने कोटेशन बनवाया, यहां हमने कोटेशन बनवाया ऑफिस में चावड़ी में, और वो भेज दिया। उस कोटेशन ने वो कोटेशन लेकर वो बंदा आगे चला गया। अरे यार आगे एक नया सरप्राइज, उसको वो ऑर्डर मिल गया। हाँ हाँ उसको वो ऑर्डर मिल गया। अब बात करें ऑर्डर मिलने के बाद प्रोडक्ट कहां से लाएंगे। वापिस फिर हमने वही प्रोसेस किया कि भाई इमीडिएटली सप्लायर से लिया, उस बंदे को दिया और उसमें से 1 रुपया उसका मार्जिन निकलकर उस बंदे को जो ट्रेनिंग लेकर गया था, ट्रेनिंग का इन्वेस्टमेंट होता है शायद उस टाइम का कुछ था 4 या 5 हजार, और उस बंदे को सिर्फ कंसल्टेशन की वजह से या प्रॉपर गाइडेंस की वजह से उस बंदे ने कम से कम 5 लाख रुपए कमा लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि सही ट्रैक से या सही गाइडेंस से यदि आप बिजनेस शुरू करें तो बिजनेस शुरू डेफिनेटली हो ही जाएगा, पर उसके आगे जाकर सबसे बड़ा फायदा होगा कि भाई वो टिका रहेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस शुरुआत के समय में यदि हो या शुरुआत के समय में आपको सक्सेस मिल जाए तो बिजनेस करने में थोड़ा एनर्जी मिल जाता है। सही में कह रहा हूं ना या गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं ना। तो भाई हम क्या करते हैं कि जिस कोई भी बिजनेस हो, लिनो पीपी हो, जूट बैग हो या अलग अलग टाइप के जो बिजनेस है जिसमें हम गाइडेंस जो करते हैं, तो हम यही बताते हैं कि भाई आपको यदि बिजनेस करना है तो पहला प्रोसेस होगा प्रॉपर मार्केट सर्वे कीजिए, दूसरा बायर आइडेंटिफाई कीजिए, तीसरा आपके यहाँ के लोकल कॉम्पिटिटर्स को ढूंढ निकालिए, चौथा फिर उसके बाद हमारा फंड मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, छठा भाई शेड के लिए जगह हमारे पास है या नहीं है, सातवां उसके बाद आखिर में मशीनरी वाला को आइडेंटिफाई करना है। और इस प्रोसेस में आपको कुछ भी मदद लगे तो लिनो पीपी बैग में डेफिनेटली हम पूरी तरह से गाइडेंस करते ही करते हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि इस बिजनेस को आप ठीक तरह से कर सकते हो या करना चाहते हो तो हमारे दिए गए कॉल सेंटर में उसको फोन कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए, उनको पूछिए कि हम किस तरह से आपके इस बिजनेस में आपको मदद कर सकते हैं। और अब एक नया मॉडल भी मैंने लॉन्च किया, स्वेट इक्विटी वाला, शार्क टैंक इंडिया देखा ना अपना इक्विटी वाला, तो इक्विटी वाला भी एक मेरा ऑलरेडी वीडियो है, बहुत सारे वीडियोस हैं पर इक्विटी वाला स्पेशल एक वीडियो है, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा यदि आपको इंटरेस्ट है कि इस बिजनेस को आप शुरू करना है पर आप हमें डायरेक्टली पैसा नहीं देना चाहते, बाद में काम होने के बाद पैसा देना चाहते हैं, तो स्वेट इक्विटी वाला भी ऑप्शन हमारे पास है, ये भी एक बार जानकारी लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक डेफिनेटली कीजिएगा, इस वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा मुझे डेफिनेटली बताइएगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तब तक धन्यवाद।